निर्भया के गुनहगार पवन कुमार का एक और कानूनी दाव पेश फेल हो गया है। पवन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने पवन कुमार की क्यूरेटिव पिटीशन को खारिज कर दिया है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस एनवी रमन्ना, जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस रोहिंटन नरीमन, जस्टिस भानुभति और जस्टिस अशोक भूषण ने चैंबर में की। पवन ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर फांसी को उम्रकैद में बदलने का अनुरोध किया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दोषी अक्षय और पवन की तरफ से लगाई गई याचिका को पटियाला हाउस कोर्ट ने भी खारिज कर दिया है। पटियाला हाउस कोर्ट ने फांसी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इस बीच दोषी पवन के वकील एपी सिंह एक बार फिर पटियाला हाउस कोर्ट पहुंच गए हैं और उनका कहना है कि डेथ वारंट पर रोक लगनी चाहिए क्योंकि पवन ने राष्ट्रपति के सामने दया याचिका लगाई है। इस मामले में भी अभी आज सुनवाई होगी। हालांकि निर्भया की मां का दावा है कि कल ही दोषियों को फांसी होगी। अमेरिका और अफगानिस्तान के आतंकी गुट तालिबान के बीच वर्षों से लंबी वार्ता के बाद शनिवार को कतर की राजधानी दोहा में शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इस बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि असल समझौता अब शुरू हुआ है और जैसा हम सोचते थे अब वैसा हो रहा है। अब तालिबान एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल हो गया है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपना ढांचा तैयार करेगा। विदेश मंत्री ने दिल्ली में सेंटर फॉर रिसर्च के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मैं लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि यह 2000 और 2001 वाला अफगानिस्तान नहीं है। तब से लेकर अब तक काफी चीजें बदली हैं। अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए हमारा संदेश है कि यह वैश्विक हित का मामला है और यह एक उपलब्धि है। दिल्ली में हुई हिंसा को लेकर कार्रवाई का दौर जारी है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हुई हिंसा के मामले में अब तक 334 एफआईआर दर्ज किए जा चुके हैं। इसके साथ ही अभी तक 33 लोगों को गिरफ्तार और 903 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर कड़ी नजर रखी जा रही है। अफवाह फैलाने के मामले में 13 केस दर्ज किए गए हैं। आर्म्स एक्ट के 44 केस दर्ज किए गए हैं। दिल्ली हिंसा की चपेट में आने से अब तक 46 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। अभी भी कई घायलों का इलाज चल रहा है। इसमें गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल में 38, लोकनायक हॉस्पिटल में 3, जग परमेश्वर चंदर हॉस्पिटल में 1 और डॉक्टर राम मनोहर रोहिया हॉस्पिटल में 4 लोगों की मौतें हुई हैं। हिंसा प्रभावित नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में CBSE की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं। हिंसा की वजह से हाल ही में CBSE ने उत्तर पूर्वी दिल्ली के बोर्ड परीक्षाओं को 29 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दिया था। इस बाबत सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामा दाखिल कर जानकारी दी थी कि हालांकि कोर्ट ने छात्रों के भविष्य को देखते हुए परीक्षा कराने का आदेश जारी किया और पुलिस को छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही सभी आवश्यक प्रबंध कराने के निर्देश भी जारी किए थे। दिल्ली में भड़की हिंसा ने अब तक 46 लोगों की मौतें ले ली हैं। इस हिंसा के लिए बीजेपी नेता कपिल मिश्रा और भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। लेकिन अब इसमें एक और नया नाम जुड़ गया है। देशद्रोही मामले में आरोपी JNU छात्र उमर खालिद का एक वीडियो वायरल हो गया है जिसमें वह ट्रंप के आने पर लोगों से सड़क पर उतरने की अपील कर रहे हैं। नागरिकता संशोधन एक्ट के नाम पर मचे बवाल के थमने के बाद अब दिल्ली में शांति है। लेकिन रविवार शाम को फैली अफवाहों ने एक बार माहौल को गर्माया। दिल्ली के कुछ इलाकों में हिंसा की खबर आई तो पूरी दिल्ली पुलिस एक्टिव हो गई और खबर को गलत बताया। सड़कों पर अनाउंसमेंट, सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए दिल्ली पुलिस ने लोगों को भरोसा दिलाया कि दिल्ली में सब शांत है और कुछ भी गलत नहीं हुआ है, ऐसे में किसी अफवाह में ना आए। इसी बीच दिल्ली पुलिस ने रोहिणी से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जिस पर अफवाह फैलाने का आरोप है। रविवार को दिल्ली के कई इलाकों में हिंसा की अफवाह फैली थी जिसे दिल्ली पुलिस ने गलत साबित किया था। संसद का दूसरा बजट सत्र शुरू होते ही विपक्ष ने दिल्ली हिंसा को लेकर दोनों सदनों में काफी हंगामा किया। संसद परिसर के कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और हिंसा को लेकर गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांगा। भारी हंगामे के कारण लोकसभा और राज्यसभा को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। वहीं JDU सांसद वैद्यनाथ प्रसाद महतो ने 28 फरवरी के निधन को लेकर सांसदों ने 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। दिल्ली हिंसा को लेकर आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने आंखों पर काली पट्टी बांधकर गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया। सांसदों ने आंखों पर पट्टी बांधे और मुंह पर उंगली रखे हुए सांसद परिसर के अंदर विरोध प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भगवंत मान समेत अन्य नेता यहां मौजूद रहे। संजय सिंह बोले कि दिल्ली में जो हिंसा हुई उसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए और साजिशकर्ताओं को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आप सांसद ने कहा कि सभी नेताओं पुलिस वालों का नार्को टेस्ट होना चाहिए, इससे सच सामने आ जाएगा।
दिल्ली हिंसा को लेकर विपक्ष के द्वारा निशाना साधा जा रहा है, तो अब केंद्रीय गृह मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने पलटवार किया है। केंद्रीय मंत्री बोले कि जिन लोगों ने दिल्ली में हिंसा की साजिश रची, अब वही संसद में इस मामले को उठाना चाहते हैं। उन्हें इस बात को समझना चाहिए कि ऐसा करने से उनका सच हर किसी के सामने आ जाएगा। सरकार सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। संसद में दिल्ली हिंसा पर हुए हंगामे को लेकर बीजेपी दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा, जिन लोगों ने आग लगाई वही अब इस पर राजनीति कर रहे हैं। मनोज तिवारी ने कहा, सोनिया गांधी या राहुल गांधी का बयान निकाल लीजिए या प्रियंका गांधी और अमानतुल्ला का बयान ले लीजिए, फिर बीजेपी का बयान निकालिए और देखिए इसका फैसला कीजिए। उन्होंने कहा कि इसके बयान देखने के बाद पता चल जाएगा कि किसकी हेट स्पीच और किसकी नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अपने दो दिवसीय दौरे पर सोमवार को नोएडा में 28 करोड़ रुपए की 19 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी गत रविवार शाम को नोएडा पहुंचे थे और पुलिस कमिश्नर कार्यालय का उद्घाटन किया। नोएडा के सेक्टर 38 से बोटानिकल गार्डन में आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ मंच पर नोएडा के भाजपा सांसद डॉक्टर महेश शर्मा और विधायक पंकज सिंह भी मौजूद रहे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 1452 करोड़ रुपए की 10 परियोजनाओं का लोकार्पण किया और करीब 1369 करोड़ रुपए की 9 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इनमें 3 परियोजनाएं ऐसी हैं जिनका लोकार्पण तो कर दिया जाएगा लेकिन संचालन में 1 माह का समय लग सकेगा। इसमें सेक्टर 39 का जिला अस्पताल भी शामिल है। यहाँ उपकरण और मशीनरी फर्नीचर इत्यादि भी व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग की ओर से की जानी है जिसमें कम से कम 1 माह का समय लगेगा। इसके अलावा सेक्टर 38A बोटानिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन के पास 580 करोड़ के मल्टी लेवल कार पार्किंग का उद्घाटन किया। इस पार्किंग में करीब 7,500 कारें खड़ी हो सकेंगी। रामलला चैत्र नवरात्र के पहले दिन 25 मार्च से नए अस्थाई मंदिर में विराजमान होंगे। श्री राम जन्म भूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने यह जानकारी दी है। अयोध्या पर्व के समापन समारोह पर राय ने कहा कि 25 मार्च से अयोध्या में नए स्थान पर रामलला के दर्शन किए जा सकेंगे। इसके लिए रामलला को स्थायी मंदिर में शिफ्ट किया जा रहा है। स्थायी निवास को अंतिम रूप देने का काम जोरों पर है। इसके लिए प्रशासन को 15 दिन का वक्त दिया गया है। आज यूपी के वकील हड़ताल पर हैं। ये हड़ताल यूपी बार काउंसिलिंग ने बुलाई है। प्रदेश के वकीलों पर लगातार हो रहे हमलों से नाराज वकीलों ने ये हड़ताल शुरू की है। वकीलों ने सरकार पर हमलों में मारे गए वकीलों के परिजनों को मुआवजा राशि नहीं देने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही वकील एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग और बार काउंसिलिंग में COP मान्य कार्ड की मांग कर रहे हैं। बुलंदशहर सिंह सिरोहा की निधन हो गया। उन्होंने दिल्ली के ILBS अस्पताल में आखिरी सांस ली। बीजेपी विधायक वीरेंद्र सिंह पिछले 3 महीने से बीमार चल रहे थे। 9 फरवरी को अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद दिल्ली के ILBS अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनका पार्थिव शरीर सुबह 10 बजे बुलंदशहर स्थित उनके घर लाया गया। उनके निधन पर सीएम योगी ने भी शोक जताया और विधायक के परिजनों को संतावना दी। किसान जन जागरूकता कार्यक्रम के तहत हमीरपुर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा कि किसानों की समस्याओं को लेकर 3 मार्च को पूरे प्रदेश में तहसीलों का घेराव किया जाएगा। उसके बाद कलेक्ट्रेट का घेराव होगा और मांगे नहीं मांगी गई तो गायों बछड़ों को लेकर मुख्यमंत्री आवास में पहुंचा दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आजम चाहे तो भी वह संघर्ष बड़ा भीषण होगा। कांग्रेस किसान आयोग का गठन होने तक अपना यह आंदोलन जारी रखेगी। हरदोई के काशीराम कॉलोनी में इंडियन रोटी बैंक द्वारा गरीब बच्चों के लिए दूसरी बार नूडल्स डे का आयोजन किया गया जिसमें बच्चों को मैगी बनाकर खाने को दी गई। साथ ही मैगी, चॉकलेट, पेस्ट्री, टॉफी और अन्य सामान, कॉपी, पेंसिल, स्टेशनरी आदि भी दी गई जिसे पाकर बच्चे काफी खुश दिखे। बताते चले कि इंडियन रोटी बैंक का सपना भूखा न सोए कोई अपना। आज से आगरा विश्वविद्यालय की परीक्षा शुरू हो गई है लेकिन परीक्षाओं में लापरवाही बरती जा रही है। मामला एतमादपुर तहसील का है। यहां पर माया देवी महाविद्यालय में देव कॉलेज बहरन का परीक्षा केंद्र बनाया गया था लेकिन माया देवी महाविद्यालय में कोई भी छात्रा परीक्षा देने नहीं पहुंची। बाद में कॉलेज के स्टाफ को जानकारी मिली कि सभी छात्राएं मेघ सिंह कॉलेज में परीक्षा दे रही हैं। वहीं परीक्षा केंद्र माया देवी महाविद्यालय को बनाया गया था।
राष्ट्रपति में एक सरकारी डॉक्टर को सोशल मीडिया पर पीएम मोदी और गृहमंत्री पर अभद्र टिप्पणी करना महंगा पड़ गया। बहराइच के अरुण कुमार की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करके पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बताते चले कि डॉक्टर संग्राम गौतम महिला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का प्रभारी है। आए दिन किसी न किसी पोस्ट को लेकर सुर्खियों में बने रहते थे। बाराबंकी में बच्चे की किडनैपिंग का खुलासा करते हुए पुलिस ने 20 लाख की फिरौती मांगने वाले तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक तीनों आरोपी शातिर किस्म के अपराधी हैं। बता दें कि 27 फरवरी को शादी समारोह के दौरान एक व्यापारी के बेटे का अपहरण कर लिया गया था। बच्चे को छोड़ने के लिए 20 लाख की फिरौती मांगी थी। राजधानी लखनऊ में कमिश्नरी सिस्टम लागू होते ही पुलिस सतर्क हो गई है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एसीपी के नेतृत्व में छापेमारी की, जहां मौके पर पुलिस ने 8 पेटी मिलावटी देसी 380 पाउच और मिलावटी के लगभग 100 खाली पाउच के साथ अन्य उपकरण भी बरामद किए हैं। इसके साथ ही पुलिस ने मौके से 3 सेल्समैन को भी गिरफ्तार किया है। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग की टीम ने मुखबिर की सूचना पर मेरठ पुलिस के साथ रोडवेज बस स्टैंड के सामने एक होटल में छापेमारी की। पुलिस ने मौके पर से वेश्यावृत्ति के आरोप में होटल मालिक समेत होटल स्टाफ के 3 सदस्यों को भी गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही पुलिस ने वेश्यावृत्ति करने वाली 2 युवतियों को भी यहाँ से हिरासत में लिया। मेरठ में चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान एक शातिर बदमाश के पैर में गोली लगी, वहीं 2 बदमाश मौके से फरार हो गए। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बदमाश के पास से एक तमंचा, कारतूस, बाइक और 22,000 रुपए की नकदी बरामद की गई है। अलीगढ़ में एक महिला से मारपीट का मामला सामने आया है। एक युवक ने महिला के साथ मारपीट कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसके बाद आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लोगों ने क्वारसी थाने में जमकर हंगामा किया। दरअसल यहां एक महिला बाजार जा रही थी, तभी एक युवक ने उसके साथ छेड़छाड़ की और विरोध करने पर उसने उसके साथ मारपीट की। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। बिजनौर में पुलिस शराब माफियाओं के खिलाफ अभियान चला रही है। इसी को लेकर बाढ़ापुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने शराब कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी की। इसी दौरान शराब माफियाओं ने पुलिस पर हमला कर दिया, जिसमें एक दरोगा समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मेरठ के दबंगों ने पुलिस चौकी के अंदर युवक को बेल्ट से बेरहमी से पीटा है। पिटाई का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल ये मामला थाना लाल कुर्ती इलाके के बेगम पुल चौराहे का है, जहां साइकिल और मोटरसाइकिल की भिड़ंत हो गई। इस बात को लेकर मारपीट शुरू हो गई। संभल में संदिग्ध परिस्थितियों में एक महिला की मौत हो गई। जिले के धनारी थाना क्षेत्र में घर से महिला का शव बरामद किया गया है, जिस पर कई चोट के निशान मिले हैं, जिसको देखते हुए परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बरेली के बहेड़ी क्रॉसिंग पर बीच सड़क पर दबंगों ने युवक की लाठी डंडों से जमकर पिटाई की। पिटाई का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। विवाद बाइक टकराने को लेकर शुरू हुई और इतना बढ़ गया कि दबंगों ने युवक की पिटाई कर दी। पीड़ित का आरोप है कि दबंगों ने हवाई फायरिंग भी की। वहीं राहगीर ने 2 दबंगों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर 6 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। बरेली के भमोरा थाना क्षेत्र में 2 बाइक की आमने सामने की भिड़ंत हो गई। हादसे में 2 छात्रों की मौत हो गई, वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद बाल मजदूरी पर रोक नहीं लग पा रही है। उसी को लेकर स्वार इलाके में आज SDM ने दुकानों और कारखानों पर काम करते 25 बाल मजदूरों को पकड़ा है। मौके पर श्रम विभाग के अधिकारियों को बच्चों को बुलाकर 3 18 साल के थे तो उन्हें छोड़ दिया गया, बाकी 22 बच्चे 14 साल से कम के थे उनको मेडिकल के लिए भेजा गया है। प्रमोशन में आरक्षण के मुद्दे पर उत्तराखंड सरकार की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। प्रदेश भर में जनरल OBC कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। कर्मचारी सभी जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी कर्मचारी 3 मार्च को गैरसैंण जाकर विधानसभा का घेराव करेंगे। कर्मचारियों ने 5 मार्च को आपातकालीन सेवाओं को भी बाधित करने का ऐलान किया है। प्रदेश सरकार की तरफ से हड़ताली कर्मचारियों पर 9 वर्क नो पे लागू किया गया है।
पदोन्नति में आरक्षण के विरोध को लेकर जिला मुख्यालय गोपेश्वर में ओबीसी जनरल एम्प्लॉय संगठन ने जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर धरना प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि प्रदेश सरकार ने पदोन्नति में आरक्षण लागू किया है, उसे जल्द हटाया जाए ताकि जनरल और ओबीसी एम्प्लॉयज को भी उसका अधिकार मिल सके। उन्होंने कहा कि गैरसैंण में होने वाले विधानसभा बजट सत्र के दौरान विधानसभा का घेराव करेंगे और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। इस दौरान लोगों को होने वाली समस्या का पूरी तरह से सरकार जिम्मेदार होगी। उत्तराखंड में गैरसैंण विधानसभा सत्र मंगलवार को शुरू हो रहा है। बजट सत्र को लेकर सरकार ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। विधानसभा के ज्यादातर अधिकारी और कर्मचारी गैरसैंण में पहुंचने लगे हैं। वित्तीय वर्ष 2020-21 का वार्षिक बजट 4 मार्च को सदन में पेश किया जाएगा। इसके साथ ही सरकार सदन में कई महत्वपूर्ण विधेयक भी पेश कर सकती है। 5 दिनों तक चलने वाले इस सत्र को विपक्ष ने मुद्दा बनाया है। विधानसभा में उप नेता प्रतिपक्ष करण महारा इस सिलसिले में विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात कर सत्र की अवधि बढ़ाए जाने की मांग कर चुके हैं। बता दें कि सत्र में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए विपक्ष कई मुद्दों के साथ उतरेगी। उत्तराखंड में बजट सत्र की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। विभागीय स्तर से विभिन्न योजनाओं के आधार पर बढ़े हुए बजट की उम्मीदें की जा रही हैं, लेकिन स्वास्थ्य महकमे में हालात और आंकड़े बजट खर्च को लेकर विभाग की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहे हैं। दरअसल उत्तराखंड का स्वास्थ्य महकमा मौजूदा बजट को ही खर्च नहीं कर पा रहा है। साल 2019-20 के बजट में कुल 18 अरब 66 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया था, जिसमें 13 अरब 84 करोड़ रुपये विभाग को मिले। इसमें भी विभाग महज जनवरी तक 10 अरब 67 करोड़ ही खर्च कर सका है, यानी करीब 3 अरब रुपए विभाग सरेंडर करने की स्थिति में है। रामनगर महाविद्यालय में दिव्यांग छात्र छात्राओं और शिक्षकों के लिए एक भी शौचालय न होने से सबको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी को देखते हुए महाविद्यालय के प्रिंसिपल डॉक्टर हेमा प्रसाद एक लंबे समय से प्रयासरत थी। 2018 में जब विद्यालय में एक कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री ने महाविद्यालय में शिरकत की थी, तो उस समय डॉक्टर हेमा प्रसाद ने महाविद्यालय में दिव्यांग छात्र छात्राओं के लिए शौचालय की मांग की थी। उस क्रम में मुख्यमंत्री योजना के तहत महाविद्यालय को शौचालय के लिए पिछले महीने बजट इकट्ठा हो चुका है, जिसके तहत अब दिव्यांग शौचालय का निर्माण शुरू हो चुका है। जैसे जैसे त्योहारों का मौसम नजदीक आता जा रहा है, त्योहारों में होने वाली मिलावट भी तेजी से होती जा रही है, जिसको लेकर अपर जिला अधिकारी सख्त हो गए हैं। उन्होंने खाद्य विभाग और सभी उप जिलाधिकारी को निर्देश दे दिए हैं कि वे होली से पहले सभी होटल और मिठाइयों भंडारों के सैंपल लें और उन सैंपलों की जांच के लिए लैब में ले जाएं। साथ ही दुकानदारों और मिठाई की दुकान के साथ साथ अन्य दुकानों में भी छापेमारी करने के आदेश भी दिए गए हैं। लखीमपुर खीरी में शिक्षक की दरिंदगी का मामला सामने आया है। शिक्षिका ने शिकायत करने आए छात्र को बुरी तरह से पीटा, जिसके बाद शिक्षिका के पिटाई के साथ छात्र का हाथ टूट गया। छात्र के परिजनों ने फरधान थाना पुलिस में शिकायत कर शिक्षिका के खिलाफ मामले की जांच की मांग की है। ये मामला बेहजम ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय गैरिया का है। श्रीनगर में कीर्तिनगर ब्लॉक के चौरास क्षेत्र में महिलाओं ने प्रशासन को जगाने के लिए बर्तन बजाकर प्रदर्शन किया। बताया जा रहा है कि ऋषिकेश रेलवे मार्ग परियोजना के प्रभावित लोग 11 जनवरी से आंदोलन कर रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि उनसे रेलवे ने 15 दिन का समय मांगा था, लेकिन 15 दिन बीत जाने के बाद भी रेलवे का कोई भी अधिकारी उनसे मिलने तक नहीं आया। जब तक उन्हें रोजगार नहीं दिया जाता तब तक ग्रामीण आंदोलन करते रहेंगे। बता दें कि पिछले 2 महीने से ग्रामीण रोजगार की मांग को लेकर नैथान में अनशन पर बैठे हुए हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम में सोमवार को लगातार तीसरे दिन गिरावट का सिलसिला जारी रहा। पेट्रोल के दाम में जहां 22 से 23 पैसे प्रति लीटर की कटौती की गई है, वहीं डीजल फिर 20-21 पैसे प्रति लीटर सस्ता हो गया है। इन 3 दिनों में उपभोक्ताओं को पेट्रोल और डीजल के दाम में करीब 50 पैसे प्रति लीटर की राहत मिली है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बीते दिनों कच्चे तेल के दाम में आई भारी गिरावट के कारण पेट्रोल और डीजल के दाम में कमी आई है। हालांकि कच्चे तेल में फिर तेजी लौटी है। सरकार ने होली से पहले गैस उपभोक्ताओं को घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में कटौती कर तोहफा दिया है। मार्च की शुरुआती महंगाई पर थोड़ी राहत से के साथ 1 मार्च से रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में बड़ी कटौती की गई है। ग्राहकों को 29 फरवरी तक बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर के दाम 893.50 रुपये चुकाने पड़ते थे, लेकिन अब ग्राहकों को मार्च माह में 841 रुपये देने होंगे।
भारतीय रेलवे ने सोमवार को कैंसिल रहने वाली सभी ट्रेनों की लिस्ट जारी कर दी है। रेलवे के मुताबिक सोमवार यानी 2 मार्च को 821 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। रद्द होने वाली ट्रेनों में ज्यादातर पैसेंजर ट्रेनें हैं। ऐसे में आज के दिन यात्रा करने वाले लोगों को रद्द हुई ट्रेनों की लिस्ट को देखकर ही बाहर निकलना चाहिए। कैंसिल की गई ट्रेनों में पैसेंजर मेल स्पेशल जनशताब्दी संपर्क क्रांति हम सफर संपर्क क्रांति एक्सप्रेसवे और कई डबल डेकर शामिल है। इसमें दिल्ली से हावड़ा छपरा पटना गोरखपुर लखनऊ वाराणसी समेत कई बड़े शहरों को जोड़ने वाली ट्रेनें भी शामिल हैं। वहीं 227 ट्रेनों को भी आंशिक रूप से रद्द किया गया है। इसके अलावा सोमवार को चलने वाली 24 ट्रेनों के समय में बदलाव भी किया गया है। वहीं 31 के रूट को डाइवर्ट किया गया है। सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा में होली की धूम मची हुई है। 3 दिवसीय होली महोत्सव का आयोजन किया गया है जिसमें स्थानीय कलाकारों ने होली के लोकगीत को गाकर माहौल को संगीतमय बना दिया। महिलाओं ने डांस किया। होली महोत्सव में महिलाओं की काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिली। बता दें कि अल्मोड़ा की इस होली में नैनीताल भवाली हल्द्वानी बागेश्वर सहित पूरे कुमाऊं के होलियार अपनी प्रस्तुति देने अल्मोड़ा पहुंचे थे। कुमाऊं में इस वक्त बैठक की होली की रौनक है। घर घर सज रही है महफिलें। बैठक की होली गायन से सभी रस और राग धुल करके इस अपने आप में कुमाऊं की सदियों से चली आ रही। वहीं बैठक की होली पहाड़ों में मनोरंजन का दूसरा ही साधन है। बैठक की होली का पहाड़ों में बहुत ही महत्व है। पहाड़ों में मनाई जा रही बैठक की होली में लोग जमकर अबीर गुलाल उड़ा रहे हैं। पूर्वांचल सभा के द्वारा आज राजधानी देहरादून में होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें भाजपा अध्यक्ष बंसीधर भगत ने शिरकत कर लोगों को होली की बधाई दी। इसके साथ पूर्वांचल सभा द्वारा उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को भी सम्मानित किया गया। आपको बता दें भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि पूर्वांचल के लोगों के द्वारा हर साल ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है जिससे पूर्वांचल के लोगों को एक दूसरे से मिलने का मौका भी मिलता है।